टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं जेड डॉट टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد आज अल्लाह ताला के फजल करम से रेती की मस्जिद जामा मस्जिद मालन भी साहिबा में मुजगनागार डॉक्टर सी रिजवान पाशा कादरी को 6 दिन में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल हुई है। पिछले 16 साल से मुसलसल मुजगनागार को इस मस्जिद में हाजिरी का मौका अल्लाह रब्बुल इज्जत इनायत फरमाता है। तकरीबन 5,000 मुसलमान इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रहे। मस्जिद की जानिब से बहुत खूबसूरत अहतमाम और बहुत खूबसूरत इंतजाम किए गए और ज़बरदस्त इंतजाम का मस्जिद की कमेटी ने मुजाहरा किया। मैं दिल की अता गहराइयों से इंतजामी कमेटी को इस खूबसूरत इंतजाम पर और इस खूबसूरत अहतमाम पर दिल की गहराइयों से मस्जिद की कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखसूस जनाब शफी साहब, जनाब अमजद साहब, जनाब जाहिद साहब और जनाब शफीक साहब और मजहर कादरी नक्शबंदी और उनके तमाम रफ़ाक़ा को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत अहतमाम पर। और एक इंतहाई अहम मेरे लिए सआदत आज मिली, इसी बस्ती के जनाब शकील साहब ने एक इंतहाई खूबसूरत इकदाम उठाया और मुझ गुनागार के लिए मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जाने के लिए उमरे के पैकेज का उन्होंने अहतमाम किया। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं ये कहूँगा कि रेती की मस्जिद एक मिसाली मस्जिद बनी हुई है और तमाम हैदराबाद में और पूरे हिंदुस्तान में जो भी बंदे कुरान पढ़ा रहे हैं उनको इसी तरह अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनकी खिदमात को सराहने की ज़रूरत है। मैं इंतजामी कमेटी के हक़ में भी, जो नौजवान बहसियत वॉलंटियर्स जिन्होंने काम किया है उनके हक़ में भी, जनाब शकील साहब के हक़ में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से, पंजतन पाक के वसीले से, गौसे पाक के वसीले से दुआ करता हूँ। ऐ पाक परवरदिगार इस कमेटी को और इन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह इनकी सेहत में, इनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमा और ऐ अल्लाह कादम अज़ीज़ इसी तरह हमें कुरान मजीद सुनाने और कुरान मजीद सुनने की तौफीक अता फरमा। आप जितने अहबाब ने इस मौके पर शिरकत की उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार पूरा रमजान हमें पाबंदी के साथ तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद। पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शाहिद कॉरपोरेटर साहब का भी मैं बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल से 6 दिन में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने की मैंने सआदत हासिल की। पिछले 16 साल से मैं इस यहाँ पर तरावी सुना रहा हूँ। तकरीबन 5,000 लोग यहाँ पर मौजूद रहे अल्हम्दुलिल्लाह। 6 दिन में मुकम्मल कुरान मैंने सुनाने की सआदत हासिल। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान जफर खान आप सभी को जेड नाउ टीवी के जानिब से रहमतों वाला, बरकतों वाला, नेमतों वाला, रौनकों वाला रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूं। इस माह रमजान मुबारक में आप अपनी दुकान, कारोबार या कोई भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स का या फिर कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, हमारे वीडियोस के जरिए आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं आपके बेहतरीन कारोबार के लिए, तो आप जेड नाउ टीवी से जुड़ जाइए। इंशाल्लाह हम हमारी टीम के साथ मिलकर आपके प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन मार्केटिंग करने में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। याद रखिए, हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9440416391। फिर एक बार आप सभी को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ।